हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। मेरा नाम साकेत है और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आज के वीडियो को देख रहे हो। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे बैंकों के नोटिस का खेल। आपने देखा होगा अक्सर कि जब आप कोई ईएमआई नहीं दे पाते, आप अपने लोन को डिफॉल्ट करते हो, तो बैंक आपके साथ नोटिस का खेल खेलता है। आपसे पैसे नहीं दिए जाते उसका एक नोटिस, आपसे पैसे लेट दिए जा रहे हैं उसका एक नोटिस, अगर आप पैसे नहीं दे पा रहे हो उसका भी एक नोटिस, और बहुत सारे नोटिस का चक्कर होता है। कभी आपने सोचा है बैंक क्या इतना बेवकूफ है जो आपको इतना नोटिस भेज रहा है? जो पैसे वो बहुत ही आसानी से मांग सकता है उसको क्या करना है? उसको जाना है आपके पास और आपसे पैसे मांगना है, फिर उस चीज के लिए वो इतना नोटिस क्यों भेजता है? तो सबसे पहले हमें बैंक एनबीएफसी कंपनी के नोटिस के चक्कर को समझना पड़ेगा। अगर आप इस नोटिस के चक्कर को समझ जाते हो तो उसके बाद कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी कभी भी आपको नोटिस के चक्कर में नहीं फंसा सकता और कभी भी आप पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। अगर बैंक आपके खिलाफ कोर्ट जाता है तो आप भी कोर्ट पे जाके उतने ही दबाव के साथ बैंक को जवाब दे सकते हो कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम पैसे नहीं दे सकते। हालांकि उसके बाद पैसे देना ना देना ये पूरी तरह से आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है, पर बैंक इसका फायदा कभी नहीं उठा पाएगा। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बैंकों के लीगल नोटिस और नोटिस का जवाब दिया जाए जिसके बाद बैंक आपको नोटिस भेजने से भी डरेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग कोई भी लोन देख ले, सिक्योर लोन देख ले, अनसिक्योर लोन देख ले, उसमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगा कि जब हम लोग लोन नहीं पे कर पाते तो बैंक लगातार हमें नोटिस भेजता है। कभी आपने सोचा है कि बैंक हमें लगातार नोटिस क्यों भेजता है? इसका साधारण सा जवाब ये होता है कि बैंक आपको नोटिस सिर्फ इसलिए भेज रहा होता है ताकि कल अगर वो आप पे कोई भी लीगल एक्शन लेता है या कोर्ट में जाता है या मजिस्ट्रेट में जाता है या आपके घर ऑक्शन के प्रोसीजर में जाता है, तो वहां पर वो इस बात को साबित कर सके कि बैंक की पूरी इच्छा थी कस्टमर के साथ बात करने की, कस्टमर को बार बार बताया जा रहा था कि आप अपने ईएमआई को नहीं पे कर पा रहे हो, उसके बावजूद भी कोई भी कस्टमर उनका जवाब नहीं दिया, मजबूरन वश, कहने का मतलब है अब बैंक मजबूर होके इन पर लीगल प्रोसीडिंग कर रहा है, क्योंकि कस्टमर और एक आम जनता को इसकी जानकारी नहीं होती, तो वहां पर ये लोग फंस जाते हैं और बैंक के जाल में फंस जाते हैं। यहाँ पे कस्टमर को लग रहा है कि उनके पास जो नोटिस आ रहा है उसको देख के लोग डर जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास अगर कोई भी नोटिस आता है तो नोटिस को देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसी नोटिस से बैंक को भी डराना शुरू कीजिए। हमारा जो प्रयास है इसमें हम आपको आपके अधिकार को इतनी साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी भविष्य में भी किसी भी कस्टमर को परेशान न कर सके, उन्हें प्रताड़ित न कर सके। इसी के लिए हम आपको इतना साधारण भाषा में समझाना चाहते हैं। अब इसका हल क्या है? अगर बैंक हमें बार बार नोटिस भेजता है और बार बार जब आप देखोगे कि बैंक कभी भी कोर्ट में हारता नहीं है, कारण क्या है कि जब आपको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है तो आपसे जब सवाल जवाब किए जाते हैं तो वहां पर बैंक ये बोलता है कि सर इन्होंने हमारे किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया, हम इसको समय समय पे नोटिस भेज रहे थे फिर भी जब कोई जानकारी नहीं मिली तब जाके हमने इन पे सेक्शन 138 का केस कर दिया, जब कोई जवाब नहीं मिला तो हमने सरफेसी एक्ट का केस डाला है, जब कोई जवाब नहीं मिला है तब हम इनके प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हैं। इस तरह के आरोप वो तभी लगा पाता है क्योंकि यहां पर आप उसको जवाब नहीं देते। पर एक आम आदमी हमेशा ये सोचता है कि हम कैसे जवाब दें। तो एक चीज समझिए, आपको जितना भी नोटिस आए उसके अगेंस्ट में आप एक नोटिस इश्यू करो। अगर आप पैसे नहीं दे पा रहे, आप एक ईएमआई नहीं दे पा रहे हो, आप कहीं से भी एक वकील पकड़ के लेके आओ, उससे टाइप करवाओ, एक रिपोर्ट बैंक में भेज दो कि हम आपकी ईएमआई को नहीं भेज पे कर पाएंगे। जब आप दूसरा ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हो आप एक रिपोर्ट भेज दो कि हम ईएमआई नहीं पे कर पा रहे, और जितने भी आप मेल कर रहे हो, जितने भी आप यहां पे नोटिस भेज रहे हो सबका एक कॉपी लेके रखो। जब बैंक एनबीएफसी कंपनी जब आपको कोर्ट में घसीटेगा, जब बैंक एनबीएफसी कंपनी आप पे गलत आरोप लगा के जब आपको कोर्ट में बुलाएगा तो आप भी जवाब देना
कि बैंक के हर नोटिस का हमने जवाब दिया है। हम जब पैसे नहीं दे पा रहे थे तो बैंक, जितने बार हमने बैंक को बोला है कि सर हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम आपको पैसे दे सके, हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम उस ईएमआई को पे कर सके, हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम बढ़े हुए ईएमआई को पे कर सकते हैं, हमारी माली हालत खराब हो गई थी, हमने बैंक को सूचित किया था। तब कोर्ट पूछेगा कि आपने बैंक को कैसे सूचित किया था, आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जब आप मुंह से बोलते हो या बाय ईमेल बोलते हो तो उस ईमेल का कोई मूलतः कोई मतलब नहीं रह जाता। आप प्रॉपर एक नोटिस लो, एक वकील को पकड़ लो, वकील को बोलो कि ये समस्या है, भेज दो। एक आम आदमी वकील नहीं कर सकता, 200-300 रुपए लेते हैं, आपके लोन से तो सस्ता पड़ रहा है ना, वो उनको एक लिखवा लीजिए और यहाँ पे बैंक को भेज दीजिए और उसका एक कॉपी अपने पास रखो और जाके वहां रिसीव करवा लो। इससे कोई फायदा नहीं होता है, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जिस दिन बैंक आपको बुलाएगा, जिस दिन बैंक आपको कोर्ट में सेक्शन 138 की तरफ, सेक्शन 138 का केस कब कर देता है बैंक, बैंक कोर्ट में यह बोलता है कि इनसे हमने पैसे मांगे, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तब जाके हम इसे केस कर रहे हैं। आप कोर्ट में दिखाओ हमने इनको हमेशा जवाब दिया है, हमने इनसे बोला है कि हम पैसे नहीं पे कर पा रहे, हम इतना ईएमआई नहीं पे कर सकते, बैंक ने हमें कोई जवाब नहीं दिया, बैंक ने हमें कोई सहूलियत नहीं दिया, तब जाके ये स्थिति आ गई और बैंक ने हम पे दबाव बनाने के लिए यहां पे केस किया है। तब जाके कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको परेशान करने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि क्या करता है आपने कभी सोचा नहीं है, एक नोटिस के बाद दूसरा नोटिस, तीसरे नोटिस के बाद चौथा नोटिस लगातार बैंक भेज रहा है। बैंक सिर्फ नोटिस जमा इसलिए करता है ताकि कोर्ट में वो प्रेजेंट कर सके कि हमने कस्टमर से बार बार संपर्क करने की कोशिश की थी पर कस्टमर ने जवाब नहीं दिया था। आप भी छोटे छोटे बात पे अगर अपने ईएमआई को नहीं पे कर पा रहे हो तो बैंक को मेल करो, एक मेल अपने पास रखो, एक वहां पे बैंक के पास भेजो और हर चीज का कॉपी अपने पास रखो कि हमने बैंक को इतनी बार सूचना दिया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम ईएमआई नहीं पे कर पा रहे, ईएमआई बढ़ा हुआ है, हमें मोरेटोरियम चाहिए, रिस्ट्रक्चर चाहिए, हमने बैंक से बोला, बैंक ने मना कर दिया, हमको आगे कंप्लेन करना है कैसे करें, बैंक सीधे मना कर देता है। बैंक इसलिए मना कर देता है क्योंकि आपने सिर्फ मांगा है, बैंक ने एक बार मना कर दिया, आपने छोड़ दिया। आप उनको बार बार मेल करो, बैंक में नहीं माने जोनल ऑफिस में करो, हेड ऑफिस में करो, जब नहीं कर पाए तब आप अपनी ईएमआई को मत पे करो। उसके बाद जाके अगर बैंक आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लेता है तब आपके पास भी सबूत होगा कि सर हमने तो मांगा था, मांगना आपका हक है, बैंक नहीं दे रहा है। तब जाके बैंक एनबीएफसी कंपनी भी कस्टमर से डरना शुरू करेगा, और जब तक बैंक एनबीएफसी कंपनी को यह नहीं लगता कि कस्टमर जागरूक है, कस्टमर यहां पे लड़ना जानता है, तब तक कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी आपको कोई भी सहूलियत नहीं देगा। अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना है तो हमारे साथ जुड़े रहें, कोई लोग पर्सनली अगर हमसे बात करना चाहते, स्क्रीन पर नंबर है, आप हमसे संपर्क करके हमसे बात कर पाओगे। जय हिंद।